नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हुई है 37,830 पे और बैंक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन का कंटिन्यू अब रेजिस्टेंस जाके ले रहा है। यहां पे जब हमने फर्स्ट टाइम हाई लगाया था तो 38,112 का लगाया था और जब सेकेंड टाइम यानी फ्राइडे के सेशन में हम पहुंचे तो फ्राइडे के सेशन में भी हमने हाई लगाया है 38,112 का। तो यहां पे अगर ध्यान से देखेंगे तो ये एक डबल टॉप की पोजिशन यहां पे बैंक निफ्टी में बनी हुई है। तो बैंक निफ्टी में इंपॉर्टेंट जो लेवल है वो है क्लोजिंग बेसिस 38,000, अब यहाँ पे हो गया 38,120 का। पहले जो मैं 38,050 आप लोग को बार बार बता रहा था, अब ये लेवल हो गया 38,120 के ऊपर। अगर बैंक निफ्टी क्लोज करता है तो इसके टारगेट जो रहेंगे 38,480 के और उसके बाद 38,950 के। ये दो टारगेट बैंक निफ्टी में लेके चलूंगा। अगर बैंक निफ्टी 38,150 के ऊपर क्लोज करता है तब ध्यान रखिएगा अब हमें क्लोजिंग चाहिए, क्योंकि कंटिन्यू हम दो बार सेम हाई लगा चुके हैं तो अब इस सेम हाई के ऊपर हमें क्लोजिंग चाहिए होती है, तभी यहाँ पे मार्केट एक मोमेंटम यहाँ पे जनरेट होगा। नहीं तो जब भी इस लेवल के आसपास हम पहुँचेंगे यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी और नए सेलर भी यहाँ पे एक्टिव हो जाएंगे। तो ये नज़र बना के रखिएगा। इंपॉर्टेंट लेवल अगर नीचे की साइड में देखा जाए तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल है नीचे की साइड में, वो लेवल अब ये क्लोजिंग, इसके नीचे की क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए। यानी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि 37,600 के ऊपर ही मार्केट क्लोज करता रहे। 37,600 के ऊपर जब तक हम क्लोज करेंगे तब तक हम एक पॉजिटिव डायरेक्शन में चलेंगे। अगर हम 37,600 के नीचे क्लोज करना स्टार्ट कर देते हैं तो फिर नीचे की साइड में एक मार्केट यहाँ पे न्यूट्रल प्लस साइडवेज हो जाएगा और टारगेट यहाँ पे निकल के आएंगे 37,000 के बैंक निफ्टी में नीचे की साइड में। इंपॉर्टेंट है कि क्लोजिंग कहाँ पे होती है, क्लोजिंग हमें चाहिए कहाँ पे, 38,120 के ऊपर या फिर 37,600 के नीचे। ये दोनों जो लेवल हैं, ऊपर के लेवल के लिए हमें 120 के ऊपर क्लोज करना पड़ेगा बैंक निफ्टी को। अगर बैंक निफ्टी को नीचे आना है तो 37,600 के नीचे इसे क्लोज करना पड़ेगा, तो नीचे का एक मोमेंटम बनेगा जो कि बैंक निफ्टी को 37,000 के पास तक लेके आ सकता है। ध्यान रखिएगा 37,000 ये हमारे लिए एक स्ट्रांग सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि इसी लेवल के आसपास से हम आके यहाँ से बाउंस बैक भी ले चुके हैं और ये हमारे लिए पहले कंटिन्यू रेजिस्टेंस एरिया था जिसको हम क्रॉस नहीं कर पा रहे थे। अगर हमने इसको भी ब्रेक कर दिया तो उसके बाद हमारा जो टारगेट निकल के आएगा या जो सपोर्ट निकल के आएगा वो रहेगा 36,500। यानी 37,600 के बाद हमारा सपोर्ट निकल के आएगा 37,000, अगर हम उसको भी ब्रेक करेंगे तो हमारा यहाँ पे सपोर्ट निकल के आएगा 36,500 या टारगेट जो भी आप पकड़ सकते हैं। ऊपर की साइड में 120 के ऊपर की क्लोजिंग हमें 38,450 और 38,980 के पास में लेके जाएगी। चलिए अब देखते हैं कि बैंक निफ्टी को हम मंडे के सेशन में किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, कौन सा कॉल या कौन सा पुट हमारे लिए बेहतर होगा। उस लिंक के जरिए जाके आपको जीरोदा, एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक्स, अलायंस ब्लू या फायर में से किसी एक के साथ में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना है और डीमैट अकाउंट ओपन होने के बाद में लॉगिंग आईडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही व्हाट्सअप नंबर दिया है वहाँ पे आपको सेंड कर देना है, जिससे हम आपको अपने प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर देंगे। दोस्तों, फ्री ट्रेनिंग का जो लास्ट बैच है वो अक्टूबर में स्टार्ट होने वाला है, तो जो भी सज्जन ने हमारे लिंक के थ्रू अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर लिया है उसमें आप ट्रेड कर रहे हैं तो आप फ्री ट्रेनिंग के लिए और लास्ट बैच के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अगर अभी तक आपने कोई ट्रेडिंग नहीं की है उस अकाउंट में तो फटाफट उसमें ट्रेडिंग स्टार्ट कर दीजिए। सितंबर मंथ में 4 ट्रेडिंग सेशन बचे हैं तो यहाँ पे ट्रेड कर लीजिए और अक्टूबर मंथ में कुछ ट्रेड आप कर लेंगे तो आप फ्री ट्रेनिंग के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब चलिए 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं कि बैंक निफ्टी को हम मंडे के सेशन में किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं और कौन सा हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल होगा। अब मैंने यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट लगा लिया है। 15 मिनट के चार्ट पे देखेंगे तो 37,700 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का यहाँ पे काम कर रहा है। इंट्राडे के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट देखेंगे तो यहाँ पे 23 तारीख को भी हम 2-3 बार यहाँ पे आए लेकिन इसके नीचे नहीं गए और ऊपर से हम 24 तारीख को भी इसके पास हम लगभग 3-4 बार आए 15 मिनट के चार्ट पे, लेकिन हमने एक भी कैंडल 37,700 के नीचे यहाँ पे क्लोज नहीं की है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है वो 37,700 का लेवल हमारे लिए रहेगा। अगर 37,700 के नीचे एक भी 5 मिनट की कैंडल क्लोज करती है तो उसके बाद जो टारगेट निकल के आएगा वो निकल के आएगा 37,550 का। तो हम मंडे के सेशन में बैंक निफ्टी को सेल कर सकते हैं अगर बैंक निफ्टी 37,700 के नीचे ट्रेड करने लगे तो हम इसको सेल कर सकते हैं। टारगेट होगा 37,550 का, सेकंड टारगेट होगा 37,400 का और थर्ड टारगेट होगा 37,280 का। तो ये 3 टारगेट बैंक निफ्टी पे निकल के आएंगे अगर बैंक निफ्टी मंडे के सेशन में फ्लैट ओपन होता है और फ्लैट ओपन होने के बाद में 37,700 वाले लेवल को ब्रेक करता है तो पहला टारगेट 37,500 का, दूसरा टारगेट 37,400 का और तीसरा टारगेट 37,280 का निकल के आएगा। इस जगह पे अगर बैंक निफ्टी 37,700 को ब्रेक करता है तो आप यहाँ पे 37,600 की पुट भी बाइंग कर सकते हैं
बैंक निफ्टी की जो कि एक अच्छी मोमेंटम देगा। अगर 100 पॉइंट पुट नीचे की तरफ आता है तो ये आपके प्रीमियम में कम से कम यहाँ से 25-30% का इंक्रीमेंट यहाँ आपके प्रीमियम में हो जाएगा, यानी आपका प्रीमियम 25-30% यहाँ पे बढ़ जाएगा अगर बैंक निफ्टी 37,500 के 50 के आसपास आता है तब। अगर बैंक निफ्टी मान लीजिए गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तब, अगर गैप अप ओपन होता है 38,000-38,100 के आसपास, तो इस लेवल के आसपास में बैंक निफ्टी को कंसोलिडेट करने दीजिए। देखिए इंपॉर्टेंट लेवल है, तो बैंक निफ्टी को 38,000-38,050 या 37,900 से लेकर के 38,050 के बीच में कंसोलिडेट होने दीजिए 45 मिनट आधे घंटे एक घंटे कंसोलिडेशन के बाद में। अगर इस लेवल को ब्रेक करेगा तो ही हम इसको बाइंग करेंगे, वरना हम बाइंग नहीं करेंगे, वेट करेंगे अगर गैप अप ओपन होता है तब। अगर हम मान लीजिए गैप अप ओपन हो जाए और पहली 5 मिनट की कैंडल कोई यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल बन जाए या फिर ग्रेव स्टोन दोजी कैंडल बनती हुई दिखे, तो यहाँ पे आप इसी कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस लगा के सेल कर सकते हैं और टारगेट जो आपको मिल सकता है वो 37,830 के आसपास का टारगेट मिलेगा। लेकिन वो कब करेंगे, जब हम यहाँ पे 250 से 300 पॉइंट गैप अप ओपन हो और गैप अप ओपन होने के बाद में पहली 5 मिनट की कैंडल कोई शूटिंग स्टार कैंडल या फिर यहाँ पे ग्रेव स्टोन दोजी कैंडल बनेगी यानी निगेटिव कैंडल बनेगी, तभी हम इसको सेल कर सकते हैं। हमारा टारगेट यहाँ पे 37,830 के आसपास में रहेगा। अगर इसी लेवल पे ओपन होने के बाद, गैप अप ओपन होने के बाद कंटिन्यू कंसोलिडेट करें, कंसोलिडेशन के बाद रेंज को जिस साइड में ब्रेक करेगा उस साइड में हम ट्रेड करेंगे 100 से 120 पॉइंट के टारगेट के लिए बैंक निफ्टी को। अब मान लीजिए यहां पे हम 250-300 पॉइंट गैप डाउन ओपन हो और गैप डाउन ओपन होने के बाद में पहली कैंडल यहां पे कोई 5 मिनट की कैंडल, यानी मान लीजिए पहले 5 मिनट की कैंडल यहां पे कोई हैमर कैंडल बन जाए या फिर ड्रैगन फ्लाई दोजी कैंडल बन जाए, तो इसी कैंडल के लो का आप एसएल लगाइए और इसी कैंडल के हाई के ऊपर आप इसको बाइंग कर सकते हैं। टारगेट आपको यहां पे 37,830 के आसपास का मिल जाएगा। तो दोनों ही कंडीशन यहां पे बता दी है कि अगर रेंज बनाता है तब कैसे ट्रेड करना है और अगर पहली कैंडल यहां पे कोई बुलिश कैंडल बन जाती है तो यहां पे उसी कैंडल के लो का एसएल लगा के आप इसको बैंक निफ्टी को बाइंग कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं कि बैंक निफ्टी में ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जो बैंक निफ्टी को ऊपर और नीचे ले जाने में मदद कर सकते हैं। तो चार्ट को मैं पहले डेली चार्ट पे कन्वर्ट कर लेता हूं और डेली चार्ट में कन्वर्ट करने के बाद में अब चलते हैं हम स्टॉक देखते हैं कि कौन। दोस्तों अगर आप फ्री ट्रेनिंग लेना चाहते हैं बैंक निफ्टी ऑप्शन की, टेक्निकल एनालिसिस की, तो अगर आपने हमारे लिंक से अपना डीमैट अकाउंट ओपन किया है और उसी में आप ट्रेड कर रहे हैं तो आप फ्री ट्रेनिंग के लिए एलिजिबल हैं। जो लास्ट बैच है वो अक्टूबर में स्टार्ट होने वाला है, उसकी डेट मैं जल्दी ही अनाउंस कर दूंगा। अगर आपने अभी तक अकाउंट ओपन नहीं किया है, अभी तक आप प्लान बना रहे हो अकाउंट ओपन का, तो फटाफट अपने अकाउंट ओपन करा लीजिए और अकाउंट ओपन करने के बाद में उसमें 2-3-4 ट्रेड आप ले लेंगे तो आप फ्री ट्रेनिंग के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, जो कि लास्ट बैच है। इसके बाद फ्री ट्रेनिंग बंद होने वाली है, तो फटाफट अपने डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए और फ्री ट्रेनिंग का लाभ उठाइए। पहला स्टॉक था यहाँ पे एयू फाइनेंस। एयू फाइनेंस में जैसा कि बोला था कि अगर आपको डर लगता है तो 1120 का आप यहाँ पे सेल लगा लें, क्योंकि 1120 के नीचे ही मैंने यहाँ पे सेल करने के लिए बोला था। तो 1120 का आपका क्लोजिंग बेसिस पे एसएल रहेगा, टारगेट यहाँ पे 1050 के मिल जाने चाहिए, नहीं तो एसएल को ट्रेल करके यहाँ पे 1100 के पास ले आइए। अगर 1100 के ऊपर क्लोज करें आप तो इस स्टॉक से निकल जाइएगा। अगला स्टॉक एक्सिस बैंक, जैसा कि मैंने बताया कि 810-811 के ऊपर की क्लोजिंग इसको ऊपर लेके जाएगी तो यहाँ पे आप नजर बना के रख सकते हैं। बंधन बैंक अभी कोई व्यू नहीं है, वेट करेंगे बंधन बैंक में। फेडरल बैंक में भी कोई व्यू नहीं है। HDFC जहाँ की मैंने ट्रेंड लाइन बताया था कि ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर ट्रेड करता है, 1580 के ऊपर ट्रेड करता है तो ये 1600 के पास तक जा सकता है। अब इसने 1601 के पास क्लोजिंग करना स्टार्ट कर दिया है। अगर कल के सेशन में वापस हाई को ब्रेक करे तो यहाँ पे ट्रेड कीजिएगा, टारगेट यहाँ पे 1610 और 1620 के टारगेट मिल जाएंगे आपको HDFC बैंक में। तो HDFC बैंक पे भी नज़र बना के आप रख सकते हैं। ICICI बैंक, इसमें बेस्ट मूवमेंट तब बनेगा जब ये 735 के ऊपर क्लोज करना स्टार्ट करेगा या नीचे की साइड में ये 700 के नीचे क्लोज करेगा, तो ही यहाँ पे मोमेंटम बनेगा। IDFC फर्स्ट यहाँ पे मेरा कोई व्यू नहीं है। इंडसइंड बैंक ऑलरेडी आप लोग को रिकमेंड किया है लॉन्ग टारगेट के लिए, तो यहाँ पर आप इंतजार कर सकते हैं। कोटक बैंक देखिए कंसोलिडेट कर रहा है, जैसे इस लेवल को निकालेगा एक अच्छी मूवमेंट यहाँ पर भी देखने को मिल सकती है। PNB कुछ नहीं करना है। RBL बैंक जिसके पास पोजीशन है वो बने रहिए, और SBI में भी नो ट्रेडिंग जोन में SBI है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मोमेंटम हो चुका है, जो कि मैंने आप लोग को 435 पे रिकमेंड किया था 450 और 60 के टारगेट के लिए, तो ऑलरेडी 470 मार के आ चुका है। इसमें वीकनेस तभी होगी जब ये 428 के नीचे अब क्लोज करना स्टार्ट करेगा, तब यहाँ पे थोड़ी सी वीकनेस आएगी जो कि इसको 410 और फिर 400 के पास तक लेके जा सकती है SBI को। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।